हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्फो मस्ती। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में, और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ ये एप्लीकेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है अगर आप दिल्ली में रहते हो, या जिसको नीड है, जिसको ज़रूरत है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो आपको पहले प्ले स्टोर पर आ जाना है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, आपको सिंपली प्ले स्टोर पर आ जाना है और ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, जिसका नाम है दिल्ली क्रोना। ये गवर्नमेंट की आईटी डिपार्टमेंट की एक एप्लीकेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन है, आपको ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए। तो मैं इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ कैसी ये दिखती है। तो यहाँ जब डाउनलोड कर लोगे तो सिंपली यहाँ ओपन बटन आ जाएगा, आपको सिंपली ओपन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन पर क्लिक करोगे तो यहाँ केजरीवाल जी का ये आ जाएगा, दिल्ली सरकार आपकी सरकार, ठीक है जी, कोविड अस्पताल स्थिति। सो बहुत जो भी कोविड पेशेंट होते हैं उनके लिए बेड्स प्रोवाइड नहीं होते, तो पता नहीं चलता हमें कौन से हॉस्पिटल में कितने बेड्स अवेलेबल हैं या कितने बेड्स भर गए हैं, आईसीयू बेड कितने हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो जो कि है कोविड 19 बेड्स, ठीक है। तो ये बेड्स हैं, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ देखोगे थोड़ा नीचे कर देते हैं, हम बैक कर देता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ आपको, जो कोविड 19 पेशेंट्स के लिए जो बेड हैं वो कुल 17,830 बेड हैं, जो अधिकृत जो हो चुके हैं, जो यूज़ हो रहे हैं 14,819 बेड यूज़ हो रहे हैं, और अभी जो खाली हैं वो 3,011 बेड अभी खाली हैं। अभी कौन कौन से बेड खाली है, कहाँ कौन कौन से हॉस्पिटल में, तो हमें देखने के लिए आपको सिंपली उस पर क्लिक करना पड़ेगा। उस पर क्लिक करके आपके जो नियर बाय जो भी दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं वो आ जाएंगे। जैसे ये देख सकते हो लोक नायक हॉस्पिटल, इसके अंदर टोटल हैं 1620 बेड और 167 वैकेंट मतलब खाली हैं। आप यहाँ कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके इसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, आपको सिंपली कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना पड़ेगा तो यहाँ इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आप यहाँ से कॉल भी कर सकते हो, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा, और इसका मैप भी आप देख सकते हो, मैप पर क्लिक करके आप मैप पर जाके वहाँ जा सकते हो, ठीक है जी। इसी प्रकार आप और भी हॉस्पिटल देख सकते हो, जैसे एम्स देख सकते हो, ये 525 बेड थे पर यहाँ जीरो खाली है, ठीक है। ऐसे काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो कितने जो भरे जा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो काफ़ी बेड्स फिलअप हो जा रहे हैं। सो आपको अगर आपका कोई रिलेटिव या आसपास जिसको नीड हो, जिसको एडमिट होना हो, उसे पता ना हो कौन से हॉस्पिटल में जाएँ, कौन से हॉस्पिटल में जाएँ, तो आप सिंपली ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उन्हें बता सकते हो कि यहाँ बेड्स अवेलेबल हैं या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट में देख लेते हैं कि जिसको आईसीयू की बेड की आवश्यकता, तो आप यहाँ देख सकते हो टोटल जो दिल्ली के अंदर आईसीयू बेड हैं वो 4,147 बेड हैं, और अधिकृत हो चुके हैं 4,096, जो खाली हैं 4,051 बेड्स खाली हैं, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। सो आप यहाँ देख सकते हो कितने जगह कौन कौन से देख सकते हो, GTP हॉस्पिटल में 0 बेड है, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय में 1 आईसीयू बेड खाली है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कम। एम्स में, ठीक है, ये 4 बेड खाली हैं, तो ये आप यहाँ देख सकते हो पूरे सफदरगंज में, ये सब लिस्ट आ जाएगी आपके पास हॉस्पिटल की, और वहाँ उसकी डिटेल्स भी आए, कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके उसकी डिटेल्स भी आ जाएगी कि उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, व्यू लोकेशन पर क्लिक करके आप वहाँ जा भी सकते हो, ठीक है जी। ये हो गया। दूसरी बात, आपको सिंपली नीचे आ जाना, जो भी अरविंद केजरीवाल सर के जो लेक्चर्स हैं, जो भी उनकी वीडियोज़ हैं वो आपको सुनना, तो आपको यहीं क्लिक करके आप इसको सुन सकते हो। थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ लिखा हुआ अधिक जानकारी, इस पर आप क्लिक कर दोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो नीचे आओगे तो यहाँ लिखा है दिल्ली कोरोना अपडेट, तो इस पर क्लिक करके आप कोरोना अपडेट भी ले सकते हो। थोड़ा नेट वगैरह चला तो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, पुष्टि हुई है, आप यहाँ सब कुछ देख सकते हो कि कितनी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, और कितने सक्रिय केस हैं, ठीक है, ये सब केस आप यहाँ देख सकते हो, 2500, ठीक है, ये सब आप देख सकते हो 24 अप्रैल, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है, ये 2020 का डाटा दिखा रहा है इसके अंदर, ठीक है, और अभी अपडेट नहीं हुआ, इसके अंदर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। नीचे आ सकते हो कोरोना सूचना, इस पर आप क्लिक करके कोरोना की सूचना भी ले सकते हो, इस पर क्लिक करें तो आप यहाँ देख सकते हो कोविड स्वास्थ्य सेवाएँ ढूंढना, तो जो जहाँ आपको कोविड वैक्सीन वगैरह लगाना, तो उसके लिए आप देख सकते हो सिंपली इस पर क्लिक करके, आप ब्राउज पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है, यहाँ लक्षण देख सकते हो आप, ठीक है, सरकारी निर्देश जान सकते हो, और भी काफ़ी चीज़ें जो आप इसके बारे में पता कर सकते हो। लॉकडाउन सेवाएं, आप पे क्लिक करके लॉकडाउन की सेवाएं क्लिक कर सकते हो, ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो राशन के लिए आवेदन करें, आप यहाँ राशन के लिए आवेदन भी कर सकते हो क्लिक करके, ठीक है। दिल्ली भूख
राहत केंद्र पर क्लिक कर सकते हो आप, ठीक है, आश्रय का पता लगाएं ये पता कर सकते हो आप, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं आप इजी तरीके से इस ऐप के जरिए आप कर सकते हो, ठीक है। आप ये हेल्पलाइन नंबर है इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है, और कुछ भी फीडबैक दे देना आप इस पर क्लिक करके फीडबैक भी दे सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आपको भी ये डाउनलोड करनी चाहिए, किसी हेल्पफुल बंदे की हेल्प हो जाएगी। आई होप आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी, अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोमस्ती यूट्यूब चैनल, बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखें, खुश रहें और घर से कम बाहर निकलें, जो भी ज़रूरत का सामान है वो पहले से अपने घर में रख लें, बाय।